रिटर्न इवनिंग सी विल मीट विथ आवर कमिटी। तो एक बात हुआ कि आज का ये दिन हम लोग के लिए महत्व हुआ, दीपक दा बोल दिया चार चार काम हुआ है सर, एडिशनल जो अमाउंट था 4750 वो रिलीज कर दिया, इंजेक्ट के नाम पर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, और ये बड़ा घर का सामने एक स्टैचू होगा देश बोरा जी का, वो स्टैचू के लिए असम का चीफ मिनिस्टर ने कल मीटिंग में बोला, उसका भी पैसा दे दिया एडवांस के तरीके से, और वो रेलगाड़ी हम लोग का असम से ये कनेक्शन है, उसका भी अभी शायद 2 महीना ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है गंगाधर में यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीनाथ देशभरा नाम पर एक एजुकेशन है, यही सबसे बड़ी बात है। और वही और एक इन्फॉर्मेशन है, 3-4 मास भीतर आसाम सरकार गोटे बस देवे, जेन बस रे कि सेनर सांबादिक किसी राइटर इमाने से गुवाहाटी टू समलपुर आए बस देवे सरकार, गोटे बड़ जिनस। तो आज हम लोग यहाँ मिले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूँ सर, आपका अगर समय होगा तो हम लोग का आसाम में क्या है, ये शाम का जो समय होता है उसमें हम लोग जैसे दिवाली में दिया जलाते हैं, तो दिवाली का एक दिया जलाने का प्रोग्राम किया है, गुवाहाटी में होगा, बेजबुरा का जन्म स्थान अहटगुरी में होगा, कलकत्ता में होगा, और शिवसागर में भी होगा, तो हम शाम को ये 85 नंबर दिया जलाने का प्रोग्राम रखा, अगर आप रहेंगे तो हम लोग के लिए खुशी होगा, और सब आप लोग को मैंने हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, शाम को आप लोग जरूर आइए 5 बजे तक, ठीक है पहुँचेंगे 5:30 रे ठीक स्टार्ट कर जल्दी सर अभी 5:30 ठीक तो भाजी तो भूलिए मत आइए तो ठीक है सर जी थैंक यू आज ये बेजुरा जी का 85वां मृत्यु दिवस में आज हम यहाँ पहुँच के इतना खुशी हुआ कि संबलपुर वासी ने इस दो घर को इतना सही ढंग से रखा है, और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड गवर्नमेंट ऑफ असम का अनुदान से साधना गृह का काम संपूर्ण हुआ, अभी शायद इनोग्रेशन का बाकी है, वो भी कोशिश जारी है, और इतना अच्छा लगा कि आपको क्या बताऊं कि ये संबलपुर वासी का प्रेम और मोहब्बत असम के लिए है, और धन्यवाद मैं पहले संबलपुर वासी को देना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब यहाँ आए थे ये टूटा फूटा घर का आज ये हाल होगा ये कोई नहीं सोचता था, इसीलिए वंस मोर थैंक यू टू संबलपुर वासी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड गवर्नमेंट ऑफ असम ऑल्सो थैंक यू। और कुछ प्रोग्राम है आपके वहाँ से असम वालों से? और आप लोग को एक जानकारी दे के खुशी हो रहा है कि असम सरकार ने ये जो बड़ा घर वासगृह का काम चल रहा है आप देख रहे हैं टीवी का पीछे, वो घर के लिए 47,50,000 रुपया आज तकरीबन 10 दिन पहले इनटेक का अकाउंट पर असम का चीफ मिनिस्टर ने हैंडओवर कर दिया, और ये वासगृह के सामने एक स्टैचू बेजबुरा जी का बनेगा, उसके लिए 50 लाख का एस्टिमेट का 25 लाख वो हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ से वो मिल गया, और सबसे बड़ी बात क्या था ये संबलपुर और असम गुवाहाटी का ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था जैसे रेल हो फ्लाइट हो कम्युनिकेशन, तो इसी को लिए हम एक एप्लीकेशन दिए थे असम का चीफ मिनिस्टर को रेलवे मिनिस्टर को, तो वहाँ हम लोग देखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको संज्ञान लेते हुए इसके लिए एक चिट्ठी ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर को लिखा है, और शायद वो भी हो जाएगा। और एक खुशखबरी है संबलपुर और गुवाहाटी यानी असम पूरा असम के लिए गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में लक्ष्मीनाथ बेजबोरा जी का नाम पर एक एजुकेशनल चेयर बिट्टा टेनिक शकी शुरू होने जा रहा है, इसके लिए जो सरकार की तरफ से काम था वो हो रहा है, और सी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए एक पत्र भी लिखा है, और इसीलिए हम लोग आपका माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये उड़ीसा गवर्नमेंट को भी हम लोग धन्यवाद कहते हैं, और आप सब लोग को आज ये 85 साहित्यरथी লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ 85 সংখ্যক মৃত্যুবার্ষিকী আমি স্মৃতি রক্ষা সমিতির তরফৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা এটা 5 জনীয়া দল আহি আমি কেন্দ্রীয়ভাৱে সম্বলপুৰত তেখেতৰ এই মৃত্যুতিথি পালন কৰিছোঁ। আজি
ৰাতিপুৱাই সম্বলপুৰৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আমি তেখেতৰ আবক্ষ মূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ আমি 85 সংখ্যক চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আমি স্থিৰ কৰিছোঁ। এইখিনিতে উল্লেখ থাকে যে ইতিমধ্যে যি অসম চৰকাৰে পইচা মোকলাই দিছিলে আপোনালোকে জানে, সেইখিনিৰে সাধনাগৃহৰ কাম কমপ্লিট হৈছে আৰু বাসগৃহৰ কাম চলি আছে। আৰু আমি জানিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ইয়াত এটা পূৰ্ণ অৱয়ৱ মূৰ্তি এটা স্থাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁ 25 লাখ টকা মোকলাই দিছে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে, আৰু বাকীখিনিও এইখিনি আমি ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিলে দিবলৈ আমাক জনাইছে। সর্বমুঠ কিমান টকা বাৰু? সর্বমুঠ এই মূর্তির বাবে 50 লাখ টকা উইথ প্যালেস তেল হব। ইয়ার উপরেও আর এইবার বাজেটত যদি 47.5 লাখ যে ধরা আসে সেইখানে ডাইরেক্ট যদি সংস্থার কামটো দিয়া হয়েছে ইনটেক তেওঁলোকলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে। ইয়ার উপরে এখন রেলর বাবে আমি অনুরোধ করেছিল আর তার বাবেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে রেলমন্ত্রীলৈ চিঠি ইতিমধ্যে লিখিছে আৰু সেইখনো অতি সোনকালে হৈ যাব বুলি আমি আশাবাদী। ইয়াতে মই জনাবলৈ ইয়াৰ বাবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি ভাবো আমি এই কামখিনি অহা ডিসেম্বরের ভিতৰত শেষ কৰিব পাৰিম। ইয়াতে আমি কব বিচাৰিছোঁ যে ইয়ালৈ আহি আমি এই সম্বলপুৰবাসী যি আমি তেওঁলোকৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি যি তেওঁলোকৰ যি সন্মান দেখাইছে তাৰ আমি অভিভূত হৈছোঁ। আৰু এই ঘৰ যি ঘৰ ইতিমধ্যেই আধাতকৈও বেছি কাম হৈ আছে সেই ঘৰ সদায় ইয়াতে থাকি অসম আৰু উৰিষ্যাৰ মাজত যি আমাৰ চিৰযুগমীয়া যি আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ সেই বান্ধোন আৰু কটকটীয়া কৰি তুলিব।